Hey guys, welcome back at U&I Automobiles. मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह. गाइस, मारुति जिम्नी बहुत जल्दी भारतीय मार्केट में लॉन्च हो जाने वाली है. आपको आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं मैं इसके 5 डोर एंड 3 डोर मॉडल के बारे में. आपको बताऊंगा क्या रहेगा प्राइस, क्या रहेंगे फीचर्स एंड कौन सी गाड़ी आपको पहले भारतीय मार्केट में मिल जाने वाली है. बैकग्राउंड के अंदर आपको मैं इंडोनेशिया से लिया गया मारुति जिम्नी 2022 का फेसलिफ्ट मॉडल दिखाता जा रहा हूँ. लुक एंड अपेयरेंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी जो कि इनका 3 डोर मॉडल रहता है. इसके अलावा आपको बताता हूँ मैं गाड़ी में क्या खास रहने वाला है एंड कब आपको भारतीय मार्केट में मिलना स्टार्ट होगी. तो स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मारुति की इन्वेस्टर समिट के अंदर मारुति इंडिया के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि वो लोग मारुति जिम्नी के मॉडल को भारतीय मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च कर देने वाले हैं. हालांकि इन लोगों ने अभी तक इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म नहीं किया है, बट जैसा कि कंडीशंस बन रही हैं, आपका थार ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है 3 डोर, 5 डोर पर टेस्टिंग चल रही है. फोर्थ गोरखा का 3 डोर मॉडल भारतीय मार्केट में आ चुका है, 5 डोर पर टेस्टिंग चल रही है. इन दोनों को मैंने सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं. तो इनको ध्यान में रखते हुए सारे स्ट्रॉन्ग जो चांसेस हैं वो ये हैं कि गाड़ी आपकी इस साल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी. ऑफिशियली मारुति भी इस बात को कंफर्म कर चुका है कि वो लोग इस गाड़ी को लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, डेट कंफर्म नहीं की है. अब हम बात करें पहले कौन सी गाड़ी लॉन्च होगी. तो गाइस, लेट मी एश्योर यू, पहले मारुति जिम्नी का 5 डोर मॉडल भारतीय मार्केट में आ जाने वाला है. एंड ये गाड़ी आपकी फैमिली सेंट्रिक लोगों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है. इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा 1.5 लीटर का इंजन मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि जनरेट करके आपको देगा आपके 105 bhp की पावर 138 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ. बाय द वे, सेम ही इंजन आपको मारुति की सियाज के अंदर मिलता है, एस क्रॉस के अंदर मिलता है. इसके अलावा हम बात करें ऑफ रोड कैपेबिलिटी की, तो यस, गाड़ी का जो आपका 3 डोर मॉडल आएगा आने वाले समय में, उसके अंदर आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिल जाएगी. बट क्योंकि अभी तक उस आपके 3 डोर मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशन रिवील नहीं हुए हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बताना सही नहीं समझता अनुमान लगा करके. तो इतना कन्फर्म्ड है कि आपको 5 डोर जिम्नी मॉडल मिल जाने वाला है. गाड़ी में मिलेंगे आपको प्लेंटी ऑफ फीचर्स एंड प्रीमियम लुक, बिकॉज गाड़ी एकदम डिफरेंट लुकिंग है. जैसे कि इनकी पहले गाड़ी आती थी जिम्नी से मिलती जुलती वो थी, वैसे ये गाड़ी मुझे लगता है भारतीय मार्केट में धमाल मचा देने वाली है. इन टर्म्स ऑफ फीचर आपको मिलेगा स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, ABS, ABD हिल होल्ड असिस्ट बेस मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर्स आपके. इसके अलावा आपको इसमें ABS, ABD वगैरह स्टैंडर्ड ही गाड़ी के अंदर मिल जाने वाला है. गाड़ी के प्राइस की बात करूं तो प्राइस आप मान के चलिए कि आपका 10 लाख रुपए से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज गाड़ी आपकी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर तो है, बट इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जा रहा है. एंड कुछ खास इसमें टैक्स रिबेट मारुति को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने पर नहीं मिलने वाले. हम बात करें 3 डोर मॉडल की, इंजन अभी रिवील नहीं हुआ है, बट इतना कन्फर्म्ड है कि 3 डोर के कंपेयर में आपका जो 5 डोर जिम्नी मॉडल है जो पहले लॉन्च होने वाला है वो आपको 30 mm तक एक्स्ट्रा साइज में मिलेगा, बिकॉज वो गाड़ी आपकी ज़्यादा साइज में बड़ी रहेगी, आपको 5 डोर का ऑप्शन वो देती है. 3 डोर के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाएगा. इंजन रिवील नहीं है, बट यस, इतना कन्फर्म्ड है कि वो गाड़ी आपकी प्रॉपर ऑफ रोडर रहेगी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर. तो आप कह सकते हो भारतीय मार्केट के अंदर मारुति जिम्नी एक पहली गाड़ी बन जाएगी जो कि आपको सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी. हम बात करें गाड़ी के कॉम्पिटिशन की, तो मारुति जिम्नी का जो कॉम्पिटिशन है आसपास कोई है नहीं, बिकॉज गाड़ी सब 4 मीटर की है. बट यस, ये गाड़ी काफ़ी हद तक आपके महिंद्रा थार के एंड आपके फोर्थ गोरखा के कस्टमर्स को काट देने वाली है. अभी यहाँ पे मेरे को पर्सनली समझ नहीं आता कि इन लोगों ने ऐसी गलती क्यों की. थार ने 3 डोर मॉडल लॉन्च कर दिया, फोर्थ वाले लॉन्च कर चुके हैं, फोर्थ एंड थार महिंद्रा यानी कि दोनों ही काम कर रहे हैं अपने 5 डोर मॉडल्स के ऊपर, महिंद्रा थार के एंड फोर्थ गोरखा के. इन लोगों ने अभी तक अपना 3 डोर जिम्नी मॉडल भी भारतीय मार्केट में लॉन्च नहीं किया है. जिस तरीके से सेल्स फिगर अब इनके गिर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी आपको बहुत जल्दी भारतीय मार्केट में देखने को मिलेगी. इसके अलावा आपकी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, मारुति वालों का जो मानेसर का प्लांट है इंडिया में, वहाँ से ये लोग अभी तक जो आपका 3 डोर मॉडल है वो आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव बनकर के वहाँ तैयार होता था एंड वहीं से वो एक्सपोर्ट होता था आउट ऑफ इंडिया. अब इन लोगों ने पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव 3 डोर मारुति जिम्नी के मॉडल को बनाना स्टार्ट कर दिया है. तो अभी इतना भी क्लियर कट कन्फर्म है कि आपको मारुति जिम्नी 5 डोर के आने के बाद, जो कि भारत को ध्यान में रख के बनाई गई है, उसके बाद आपको 3 डोर मॉडल भारतीय मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा. इतना कुछ चीज़ें कन्फर्म्ड हैं अभी तक. गाड़ी का लुक एंड अपेयरेंस आपको मैंने बैकग्राउंड में दिखा दिया कि आपका
थ्री डोर मॉडल जो इंटरनेशनली आता है वो कैसा लगता है। साल के अंत तक गाड़ी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, कॉम्पीट करती है थार एंड आपके गोरखा मॉडल के साथ में। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फैंस एंड व्यूअर्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, गाइज यार से सब्सक्राइब के बटन पे टिक कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने नहीं किया आप डे टू डे बेसिस पे ऐसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ऑटोमोबाइल अपडेट्स को मिस करते जाते हो। एंड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ फील फ्री टू राइट मी ई मेल, माई मेल आई डी इज देयर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन सेगमेंट, और एल्स आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि आपको मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।